सीधा रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। तो भिंड से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय 62,000 से ज्यादा वोट से आगे चल रही हैं, कांग्रेस के फूल सिंह ब्रहिया पिछड़ गए हैं। खरगोन से अपडेट है, गजेंद्र सिंह पटेल बीजेपी प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं भिंड दतिया क्षेत्र से संध्या राय 62,000 से ज्यादा वोट से आगे चल रही हैं। संध्या राय जबकि फूल सिंह ब्रहिया पिछड़ गए हैं और खरगोन से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। सीधी में भी बीजेपी प्रत्याशी लीड बनाए हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तमाम क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो या तो बीजेपी की जीत हो गई है या फिर वहां बीजेपी लीड बनाए हुए है। और इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कर्नल ईशान जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं ईशान जी आपसे। मध्य प्रदेश में तो अच्छा परफॉर्मेंस हो गया, क्लीन स्वीप की ओर अग्रसर हैं आप लोग, लेकिन ये जो बाहर है पूरा ओवरऑल है देश के परिणाम, वो उतने सार्थक नजर नहीं आ रहे हैं जितना दावा चल रहा था। ईशान जी नहीं आए हैं। हाँ, और संतोषजनक भी नहीं है जी। कारण और इस किस वजह से ऐसा हुआ जी, इस पे मंथन होगा, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आने पर भी माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि एनडीए गठबंधन को क्लियर मेजॉरिटी दिख रही है अभी तक के रिजल्ट्स में। और अभी जब तक संपूर्ण परिणाम आएंगे, हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी भी 272 के आंकड़े पे पहुंच जाएगी, ऐसी हमें उम्मीद है तो, अकेले अपने दम पर। अच्छा, और अन्यथा एनडीए का तो गठबंधन पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ ही चुका है, तो मैजिकल फिगर की ओर बीजेपी खुद पहुंच जाएगी, ऐसी आशा आपको। एक बार जरूर मैं पूछना चाहूंगा, ऐसी आशा जी, ऐसी आशा का आधार भी है। हाँ, आधार यह है कि ऐसी बहुत सी सीटें हैं, करीब दो घंटे पहले का तो मुझे पता है कि करीब 240 सीटें ऐसी थी पूरे देश में जिसपे की जो है 10,000 के नीचे के जीत हार का अंतर लेकिन, था इसमें लेकिन कांग्रेस अब तो राहुल गांधी को एज अ ऑर्डिनरी बॉय नहीं लेंगे ना आप लोग? देखिए, ऑर्डिनरी बॉय तो वो अभी भी रहेंगे, अभी तो बहुत खेल बाकी है कि क्या होता है, सरकार तो किसकी बन रही है। और देखिए, अभी सबसे हास्यास्पद विषय ये है कि जहां भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर दो सीट से आज की तारीख में 240 पे आ रही है, तो उसको जो है हमारी हार की तरह देखा जा रहा है। और कांग्रेस जो कि 52 सीट से करीब करीब 98 सीट पर आज आई है, तो उसमें एक सबसे इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल जिसकी ये स्थिति है कि 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही, उसको बड़ी खुशी मनाई। वो सही बात है ना सर, लेकिन समय तो आपका चल रहा था ना, 281 303, समय अभी भी हमारा ही है। हाँ, 281 303 और फिर 240, तो इसपे तो चर्चा होगी ना कि बिल्कुल बिल्कुल चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए, और हमारे अंदर पार्टी में भी चर्चा का विषय है कि क्या कारण हुआ, और खासकर जिस तरह के परिणाम की उम्मीद हम उत्तर प्रदेश में कर रहे थे, वहां पे स्थितियां वैसी नहीं बन पाई, तो ये हम स्वीकार करते हैं, इसकी कोई दो राय नहीं है, प्रत्यक्ष है, सबके सामने है परिणाम। और परिणाम नहीं कहूंगा, अभी तो ट्रेंड्स ही हैं, मैं अभी भी ये कहूंगा, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम 272 का पार कर 300 पार कर जाएंगे, एनडीए 300 पार कर जाएगा, एनडीए 300 पार कर जाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और एक ही दो सीट का फर्क पड़ रहा है, ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन हम पार कर जाएंगे, मेरे को पूर्ण विश्वास है। ठीक है, लौटूंगा ईशान जी आपके पास। हमारे साथ विवेक त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, ओवरऑल आपकी पार्टी और आपके अलायंस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, 2014 और 19 एकदम अलग कर दिया आप लोगों ने, लेकिन सवाल वही, इसमें मध्य प्रदेश क्यों अछूता रह गया? मध्य प्रदेश में ऐसा लगा ही नहीं कि जो
इंडिया अलायंस परफॉर्मेंस अन्य राज्यों में कर रहा है, यूपी में कर रहा है, बाकी राज्यों में कर रहा है, वो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो पाया? लेकिन स्थिति मध्य प्रदेश और कर्नाटक और कुछ राज्यों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा। ओवरऑल हमारे पास मध्य प्रदेश में एक ही लोकसभा सीट थी, उस सीट को हमने खो दिया है। उसको खोने के क्या कारण है उसको लेके हम बहुत जल्दी हमारी बैठक होगी और उसमें पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी और क्या कारण है, उन कारणों को सुधार कैसे किया जा सकता है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इंडिया अलायंस ने पूरे देश भर में एक बहुत बेहतर परफॉर्म किया और मैं समझता हूँ मोदी जी और भाजपा के एक अहंकार तोड़ने का काम किया। मोदी जी को पहले सपने आया करते थे कांग्रेस मुक्त भारत के, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पहले उनका वो सपना तोड़ा, फिर मोदी जी को सपना आता था कि देश में वो 400 पार जाएंगे, तो देश की जनता ने उस सपने को भी तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं 10 साल का जो लंबा समय मोदी सरकार को दिया गया था वो विपक्ष के नरेंद्र मोदी जी जिन मुद्दों पर बात किया करते थे, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, रोजगार हो, उन मुद्दों से वो भागते नजर आए इस चुनाव में। वो मंगल सूत्र पे बात कर रहे थे, मुजरे पे बात कर रहे थे, और जब उन्होंने आह्वान किया था पूरे देश भर में कि 370 वोटों की वृद्धि हर पोलिंग बूथ पे करनी है, तो जनता ने उस आह्वान को ही नकार के एक स्पष्ट संदेश भाजपा को दिया था। आज सुबह से मैं कई चैनल्स के डिबेट पे रहा, किसी भी स्क्रीन पर मुझे 400 लिखा हुआ नहीं दिखा, 300 तक नहीं दिखा। तो निश्चित ही भाजपा आज बहुत ही बुरी स्थिति में है। उनको इस बात को समझना चाहिए कि देश में भ्रम फैला के, डरा के, धमका के आप चुनाव नहीं जीत सकते, मूल मुद्दों पे चुनाव जीता जाता है। और देश की जनता ने सभी राजनीतिक दलों को अच्छा इस चीज का संदेश अच्छा दिया। बीजेपी बीजेपी कह रही थी कि ये दो लड़कों की जोड़ी, तो अब तो ऐसा लग रहा है कि वो दो लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिया यूपी में। देखिए निश्चित ही यूपी में जब आप पूरे देश भर में प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांग रहे थे, तो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि से संदेश आया है आपके पास में। इससे पहले इन्होंने कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में भी बजरंग बली के नाम पर वोट मांगा था। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था ईवीएम की बटन बजरंग बली के नाम पे दबाना, वहां की ईवीएम की बटन दबी, भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया। नरेंद्र मोदी जी ने फिर देश से आह्वान किया कि प्रभु श्री राम के नाम पे ईवीएम का मशीन का बटन दबाना। आज आप स्थिति देखिए कि सिर्फ 1,40,000 वोटों से नरेंद्र मोदी जी अपने लोकसभा क्षेत्र में आगे चल रहे हैं, उससे ज्यादा तो 3 लाख से ज्यादा राहुल गांधी जी आगे चल रहे हैं। तो निश्चित ही नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे जमीनी, दोनों तरीके से गिरती नजर आ रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री विपक्ष में ज्यादा मजबूत थे, सत्ता में आने के बाद कहीं ना कहीं वो कमजोर हुए हैं, वो बेरोजगारी से नहीं लड़ पा रहे, वो महंगाई पे अंकुश नहीं लगा पा रहे, वो भ्रष्टाचार से निपटने का तो चलिए, नया तरीका ढूंढा है, ढूंढ ढूंढ के भ्रष्टाचार को राहुल भाजपा में गांधी तो शामिल किया जा रहा है। दोनों सीट जीत रहे हैं आपके। जी, तो और काफी काफी बेहतर अच्छा परफॉर्म किया है वहां पर। जी जी एक एक चीज जरूर होगी कि क्या जिस मोमेंट का इंतजार कांग्रेस कर रही थी, और देखिए एक अपडेट भी आ रही है अमेठी से, बीजेपी की स्मृति ईरानी चुनाव हार चुकी हैं, ये हार गई, फ्लैश हो रहा हार है। गई तो जो जी, इंतजार हार आप चुके लोग हैं। कर रहे थे, क्या वो समय आ गया है? देखिए ये सभी राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए संदेश है, जनता ने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दिया और अपने मताधिकार का जो उपयोग किया, तो उन्होंने कहा कि वो मतदाता है, मूर्ख नहीं है। स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर 400 रुपए का सर पे उठा के घूमती थी, महंगा है महंगा है, पर 1,100 रुपए का गैस सिलेंडर महंगा उनको नजर नहीं आया। जी जनता ने आज जी उनको एहसास करा दिया कि भाजपा विपक्ष में जो महंगाई बताती थी आज जब सत्ता में, तो उस पर अंकुश लगाने में कहीं ना कहीं असफल साबित हुई है। मोदी जी की सभी गारंटियां विफल साबित हुई है, फेल हो गई है। तो जनता ने एक संदेश, हर एक राज्य, ये सिर्फ भाजपा के लिए नहीं है, ये सभी राजनीतिक दलों के लिए एक संदेश है कि जब आप चुनाव में जो वादे करते हैं अगर आप उनको पूरा नहीं करते, तो जनता सबक सिखाने के लिए हमेशा तैयार होती है। आपका अहंकार, आपका अभिमान जनता तोड़ना बहुत अच्छे से जानती है। निश्चित ही जिस तरीके से परिणाम अभी तो रुझान आए, अभी परिणाम आना बाकी है, मैं समझता हूँ आज रात तक पूरे देश में आपको एक राजनीतिक भूचाल नजर आएगा। और भाजपा, मैं पहले भी कहता आया हूँ, 4 तारीख को भाजपा के पैरों तले जमीन खसक जाएगी और आज खसकती हुई नजर आ रही है। मैं लौटूंगा त्रिपाठी जी आपके पास। ईशान जी, जो तमगा गुजरात और राजस्थान के पास था, अब मैं कहूंगा वो मध्य प्रदेश के पास आ गया है। आज नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश की ये 29 सीटें एक ऑक्सीजन जैसी दिखाई दे रही होंगी ओवरऑल। अगर कांग्रेस यहाँ पर 3 से 4 सीटें जीत लेती, या छत्तीसगढ़ में एक सीट पर कांग्रेस आगे है, कोरबा सीट, वहां पर भी आप 10 पर बढ़त बनाए हुए हैं या कुछ सीटें जीत चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने आपकी लीड में इजाफा कर दिया, नहीं तो स्थिति फिर तनावपूर्ण हो सकती थी। देखिए सबसे बड़ी चीज, पहली चीज ये है समझने वाली, कांग्रेस को भी समझना चाहिए, एंड इसमें
मतलब मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस को भी इस चीज को मानने में कोई गुरेज होगा कि जहां भी इंडी अलायंस जीता है वो वहां के मुख्य रूप से जो क्षेत्रीय दल हैं जी उनकी बदौलत वहां पे इंडी अलायंस बढ़ रहा है। चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश ही है, और चाहे आप बिहार ले लीजिए जहां पे कुछ सीटें मिल रही हैं, तो ये मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास कोई ऐसा अलायंस था ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस किसी भी राज्य में सिर्फ अपने बलबूते पर नहीं जीत पाई है, अपने बलबूते पर उनका कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं रहा। अभी अगर मैं अमेठी की भी बात करूं तो ये एक चलिए इंडिकेशन है कांग्रेस के छिंदवाड़ा लिए। छिंदवाड़ा अपडेट, छिंदवाड़ा अपडेट आ गया। हाँ छिंदवाड़ा से नकुल नाथ जी चुनाव हार गए हैं। छिंदवाड़ा अपडेट हमारे पास आ गया है। छिंदवाड़ा जी और आप कंटिन्यू कीजिए ईशान जी। मैं अमेठी की बात हो रही थी तो अमेठी की बात में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए स्मृति ईरानी जी ने कार्य किया, उसके बाद भी जनता ने स्वीकार नहीं किया। वो क्या कारण थे उसके बारे में हमारी पार्टी अलग से उन विषयों पर विचार करेगी, लेकिन ये एक इशारा कांग्रेस के लिए है कि सामान्य कार्यकर्ता को जब भी आप आगे रखेंगे, परिवारवाद को पीछे रखेंगे, पार्टी का भला ही होगा। ये बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है उनके लिए भी। इसमें मैं कोई विरोध या पर आलोचना नहीं राहुल कर रहा गांधी हूं। को देश स्वीकार तो कर लिया ना। कांग्रेस नहीं, अब मैं वही कहना चाह रहा सौ से हूं, इसको ऊपर आप राहुल गांधी की सीटें। स्वीकार्यता कैसे मान रहे हैं? आप अच्छा बताइए मुझे, राहुल गांधी की तो आप स्वीकार्यता तब मैं मानता नहीं, तो हूं। मैं फिर बता रहा हूं ये क्या है? आप इसको विवेक करारी जी हार मुझे भी तो विवेक नहीं कह सकते ना सर। करारी हार जी तो पूरा नहीं कर है ये। लेने दीजिए, विवेक जी पूरा कर लेने दीजिए। जी बोलिए। आज की तारीख में इंडी गठबंधन की जो इतनी सीटें दिख रही हैं उसमें रीजनल पार्टीज का योगदान पहले देखिए, तब हम कांग्रेस की बात पे आते हैं। अगर स्वीकार्यता राहुल गांधी जी की इतनी होती तो मध्य प्रदेश में भी स्थितियां उलट होनी चाहिए थी और बाकी राज्यों में भी होनी चाहिए थी, गुजरात में भी होनी चाहिए थी। तो मैं लौट स्वीकार्यता रहा की हूं सर जहां तक आपके।